नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय हम हैं शहीदी चौक कांग्रेस हेड ऑफिस के ठीक बिल्कुल बाहर, जहां पर आज 139th फाउंडेशन डे जो है कांग्रेस का मनाया जा रहा है। और आपको बता दें, इस समय के जो आप ये दृश्य देख रहे हैं, ये कांग्रेस ऑफिस के ठीक बिल्कुल बाहर के दृश्य है, जहाँ पर आज 139th फाउंडेशन डे कांग्रेस का मनाया जा रहा है। इससे पहले 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर अब तक 139th जो है आज फाउंडेशन डे का यहाँ पर आगाज हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और 139th फाउंडेशन को यहाँ पर मना रहे हैं। क्या कुछ कहना है कांग्रेस लीडर्स का, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जय इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिंदाबाद। राहुल गांधी, जिंदाबाद। काम सिंह गुजरात मराठा द्रावड़ी त्रिकल बंगाल इंडियन माचल जमुना गंगा आज कांग्रेस का पश्चिम में रहते हुए हम फख्र महसूस करते हैं। हम उस तंजीम के सिपाही हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को मजबूती के रास्ते पर आगे की ओर ले गए, और वो लोगों में से थे जिन्होंने आज़ादी से पहले भी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने अपना रोल निभाया और आज़ादी के बाद भी रोल निभाया। और हम फख्र महसूस करते हैं उस कांग्रेस का पार्टी के सिपाही हैं जिनके दो दो प्रधानमंत्री ने अपनी जानें निछावर कर दी देश की एकता और अखंडता के लिए। और आज हिंदुस्तान अगर मजबूती के साथ आगे की ओर जा रहा है तो उसके पीछे वो नींव थी, उसके पीछे वो सोच थी कि सेकुलरिज्म के माध्यम से हम हिंदुस्तान को आगे बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और अम्बेडकर जैसी सोच भी उसी में शामिल थी। आज कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की ज़रूरत है, आज उसको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमें क्योंकि जमहूरियत दिखाई नहीं दे रही, असेंबली चुनाव यहाँ पे नहीं है, सरकार यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे गवर्नर साहब हुआ करते थे, अब एलजी साहब की पोस्ट हमें दी गई, हमारा कल्चर ख़त्म किया जा रहा है, हमारे नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा, प्राइवेट इन्वेस्टर को यहाँ पर जो बातें करते थे दिग्गज नेता, आज प्राइवेट इन्वेस्टर जम्मू में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आएगा तो लोग कहाँ जाएँगे। और आए दिन जिस ढंग से फौजियों की शहादत का सिलसिला बढ़ रहा है, राजौरी पुंछ जो बड़ा एक सामान्य तौर पे यहाँ पे चल रहा था, आज मैं समझता हूँ कि डीरेल वहाँ पे हो गया, वो पीस प्रोसेस आज सख्त करने के कदम उठाने की ज़रूरत है। आज हम स्वर्गीय इंदिरा गांधी को भी याद करते हैं, वो कांग्रेस की सोच थी जिसने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। आज 56 इंच की छाती, आंखों से आंखें बातें करने वाले लोग, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, लोग सारा महसूस करते हैं। इसलिए हम प्रण लेते हैं कि हम सेक्युलर फोर्सेज को मजबूत यहाँ पर करेंगे, उस कांग्रेस की आइडियोलॉजी को घर घर बूथ तक पहुँचाएंगे ताकि बूथ से भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को मजबूती मिले और ताकतवर बन के यहाँ पर निकले। हम तो तैयार हैं, आज आपने देखा होगा जब विगल बुझाया आज नागपुर में, हम तैयार हैं वो नारा भी था उसी में। हर लिहाज से हर चुनौतियाँ ज़रूर हैं, चुनौतियाँ भाजपा की तरफ से जब जख्म दिए गए तो वो चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों को हम पार करेंगे और अपने लक्ष्य में ज़रूर कामयाब यहाँ पे हो जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव की बड़ी सख्त ज़रूरत है। एक छोटे गरीब आदमी का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया, महंगाई के मार से हम लोग जूझ रहे हैं, हमारे रियासती सरकार का होना बड़ा ज़रूरी है। और यहाँ पे लोगों की एक्सेसिबिलिटी प्रशासन के साथ कहीं नहीं, प्रशासन और लोगों के बीच में पुल कोई नहीं। अब आशा वर्कर हो, नरेगा जैसी लाइबिलिटी वो ना क्लियर करेंगे, मुलाजमों की सैलरी उनको नहीं मिल रही, मुलाजमों को जीपी फंड नहीं मिल रहा, तो लोग कहाँ पे जाएंगे? उनकी बात करने के लिए एक चुनावी इदारा है, इलेक्टोरल बैटल, उसको मजबूती यहाँ पे मिले। हम आपके ज़रिए यही मांग भी करते हैं कि जमहूरियत को बहाल करने के लिए सरकार भी कदम यहाँ पे उठाए। तो जैसा कि आपने देखा, आज यहाँ पर कांग्रेस के हेड ऑफिस शहीदी चौक में 139th फाउंडेशन डे यानी कि कांग्रेस का स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है, जिसको लेकर आज कांग्रेस के पार्टी वर्कर्स यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी खुशी के साथ वो ये कह रहे हैं कि हम जो आने वाले असेंबली इलेक्शन हैं जम्मू कश्मीर में जो होने जा रहे हैं उसके लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।